हाय एवरीवन, माय नेम इज अतुल कुमार शर्मा। अभी हमने रिसेंटली नोएडा सेक्टर 127 में एक ऑफिस जो है वो उसका इंटीरियर किया है, तो मैं आपको वो ऑफिस दिखाने वाला हूँ। ये जो बाहर जो आप ग्लास वर्क देख रहे हैं ये बिल्डर ने करके दिया है। इसमें जो ट्रांसपेरेंट सीट है वो हम लोगों ने लगाई है, और साथ ही साथ इसमें जो अंदर काम है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो ड्रॉप लाइट आप देख रहे हो, जब इसमें आप लाइट बंद करोगे तो ये बहुत ही बेहतर लगती हैं। मैं आपको बंद करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ड्रॉप लाइट जब जलती हैं तो बहुत ही बेहतरीन फील देती हैं इसका, ऑफिस का एकदम लुक चेंज हो जाता है। साथ ही साथ इस पर वॉलपेपर लगा हुआ है तो उससे वॉल भी काफ़ी सूदिंग लगती हैं इसकी, और बहुत ही बेहतरीन दिखाई देती हैं। तो मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें बताता हूँ। यहाँ पर ये वॉलपेपर भी हमने लगाया है। ये नीचे जो आप टाइलिंग वर्क देख रहे हैं, ये टाइलिंग वर्क भी हमने किया है। इलेक्ट्रिकल फिटिंग भी इसमें हमने की है। एंकर के इसमें सारे स्विच बोर्ड हैं बेस्ट क्वालिटी के, और जो इसमें वायरिंग है वो 2.5 mm का कॉपर वायर है, पॉली कैप का, बहुत ही बेहतर क्वालिटी की वायरिंग है। मतलब कोई भी चीज़ इसमें ऐसी नहीं है जो अप टू मार्क ना हो, मतलब सब कुछ ए ग्रेड का और बेहतरीन क्लास का इसमें काम हुआ है। ये जो ग्लास पार्टीशन है ये भी हम लोगों ने किया है यहाँ पर, और इसमें ग्लास के इसमें पार्टीशन में अंदर जो है पाइन वुड लगाई है, सॉलिड वुड का काम हुआ है यहाँ पर, और ऊपर जो है हाई ग्लॉस में ये लेमिनेट लगी हुई है। हाई ग्लॉस लेमिनेट थोड़ा कॉस्टली पड़ती है, बट क्योंकि क्लाइंट की चॉइस थी तो हमने वही यूज़ किया है जो उनकी चॉइस थी। यहाँ पर भी ये जो आप देख रहे हो टेबल, इसमें भी हाई ग्लॉस की ग्लॉस जो है लेमिनेट लगा हुआ है, और ये जो ऊपर आप स्विच देख रहे हो ये हमारे क्लाइंट की स्पेशल चॉइस थी कि हम उनको स्विच जो है ऊपर चाहिए। अब मैं थोड़ा सा आपको अंदर की चीज़ें दिखाता हूँ। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर हैंडल्स, ये भी बेहतरीन क्लास के हैं। साथ ही साथ इसमें सॉफ्ट क्लोज हिंजेस का यूज़ किया गया, एल बिहारी कब्जे जिसको आप बोलते हो। आप जब देखोगे इसे छोड़ दोगे जब पल्ले को, तो ये अपने आप आराम से बंद हो जाएगा, मतलब आवाज़ नहीं करेगा। तो ये हमने काम किया है। साथ ही साथ मैं थोड़ा सा आपको इंटीरियर के बारे में बता दूं। जब आप प्लाई परचेज करने जाते हो मार्केट में तो आपको क्या चीज़ देखनी है प्लाई में? अक्सर लोग क्या करते हैं, उसको उठा के देखते हैं उसमें वजन क्या है, उससे थोड़ा आइडिया तो लग जाता है जो एक्सप्रेस ऑर्डर लोग हैं, बट एग्जैक्टली आइडिया प्लाई के बारे में नहीं लगता। तो प्लाई के बारे में आपको दो तीन चीज़ें बता देता हूँ जो जनरली हम चेक करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो जो प्लाई होती है ना, ये या तो 11 लेयर की होती है, 13 लेयर की होती है, जो आपको इसमें लेयर दिखाई दे रही है। ये जो लेयर हैं, जितनी ज़्यादा डार्क लेयर आपको दिखेंगी उतनी ही ज़्यादा एजेज, मतलब बैटरी बेहतर लकड़ी होगी। तो वाइट जो आपको लाइनिंग दिख रही है कम होनी चाहिए, और जो डार्क लाइन दिख रही है ज़्यादा होनी चाहिए, तो आपकी जो प्लाई है वो बेटर क्वालिटी की। साथ ही साथ ये ओवरलैप नहीं होनी चाहिए, फटनी नहीं चाहिए, मतलब एक दूसरे से सेपरेट नहीं होनी चाहिए। तो प्लाई में आप ये बेसिक चीज़ें ज़रूर देखें प्लाई खरीदते समय, कि आप किस तरह की प्लाई जो है मार्केट से परचेज कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो आप फ़ैन देख रहे हो, वॉल फ़ैन, ये मेरे क्लाइंट की चॉइस थी कि उनको वॉल फ़ैन चाहिए, तो उनके अकॉर्डिंग हमने उनको वॉल फ़ैन लगा के दिए हैं। ये विंडो है, इस पर भी विंडो ब्लाइंड लगनी है क्योंकि लड़का आ रहा है रास्ते में है, तो इसलिए अभी वो पेंडिंग है। और ये जो डेकोरेशन पीस है, इसमें जो ड्रॉप लाइट हैं, ये हम लोगों की चॉइस थी कि इस तरह की ड्रॉप लाइट लगाई जाए, क्योंकि बहुत ही ये बेहतरीन और अच्छी लगती हैं। तो आप लोग अपने कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको इसमें क्या चीज़ें जो हैं सजेशन देना चाहते हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो। और इसमें जो भी मटेरियल है पूरे ऑफिस में, वो सारा का सारा ए ग्रेड का मटेरियल है। कहीं भी किसी भी चीज़ में क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं की गई है, क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग चलेगा और इसकी ड्यूरेबिलिटी भी काफ़ी हाई रहेगी। तो ये बेसिक चीज़ें थी इस ऑफिस के बारे में, और ये बहुत ही इंप्रेसिव। साथ ही साथ ये ग्रिड सीलिंग जो आप देख रहे हो, ये ग्रिड सीलिंग भी हमने की है, 2x2 टाइल्स हैं जिप्सम की, जिपनोवा कंपनी की, और ये लाइटिंग का काम भी हमने यहाँ पर किया। मतलब इलेक्ट्रिकल वर्क सब A to Z जितना भी काम इसमें ऑफिस में है वो हम लोगों ने ही करके दिया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको कोई सजेशन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू।